नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, ये चीज खोल करके दिखा दो, 15 सेकंड में स्त्री आपका प्यार में तड़पने लगेगी, 15 सेकंड में स्त्री आपके मोहब्बत में तड़पने लगेगी। इस चीज को खोल करके दिखा दो। आखिर कौन सा चीज को खोल करके दिखाना है और कैसे वो आपके मोहब्बत में तड़पेगी, आज मैं बहुत ही खतरनाक देहाती वशीकरण टोटके बताने जा रहा हूं। ये बिल्कुल देहाती वशीकरण टोटके, अगर आप अपने गांव से, अगर आप अपने गांव देहात से अगर जुड़े हुए हैं और आपको जानते होंगे कि देहाती वशीकरण टोटके बहुत ही खतरनाक टोटका होता है, और देहाती टोना टोटका के द्वारा आप बहुत ही शक्तिशाली टोटका करके आप किसी को बर्बाद भी कर सकते हैं, किसी को आबाद भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम वशीकरण करने का तरीका मैं बताने जा रहा हूं। इस तरीका को अगर आप अपना लेते हैं तो निश्चित तौर से जो है किसी भी स्त्री को आप अपने प्यार मोहब्बत में 5 सेकंड में आप तड़पा सकते हैं, 15 सेकंड में तड़पा सकते हैं, और वो आपके बिना नहीं रह पाएगी, आपके मोहब्बत में दीवानी बन जाएगी, आपके कदमों में आकर के गिरेगी और जीवन भर आपका गुलामी करेगी। ये बहुत ही शक्तिशाली देहाती टोटके मैं आज आपको बताने जा रहा हूं किसी को कैसे वशीकरण किया जा सकता है। तो आप मेरे मोबाइल पर, आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय माँ चामुंडा जरूर लिखे, ताकि माता चामुंडा की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि वशीकरण का मतलब होता है कि किसी को भी वश में कर लेना। अगर आप उसको वश में कर लेते हैं तो वो दीन दुनिया घर द्वार किसी का बात नहीं सुनेगी, वो सिर्फ आपका बात सुनेगी। आपका हाथ में उसका ब्रेन का रिमोट कंट्रोल रहेगा और आप जैसे उसको नचा सकते हैं नचा सकते हैं, आप जैसा चाहिएगा जैसा बोलिएगा वो करने को तैयार हो जाएगी। इसी का नाम है वशीकरण। लेकिन वशीकरण का इतनी खतरनाक टोटके भी होती है, लेकिन आज मैं बिल्कुल देहाती वशीकरण टोटके बताने जा रहा हूं। इस टोटके के द्वारा किसी भी स्त्री को, किसी भी शादीशुदा स्त्री को, किसी भी औरत को, आप किसी मनचाही औरत को 15 सेकंड में आप उसे दीवाने बना सकते हैं और 15 सेकंड में उसको आप अपने प्यार में उसे आप तड़पा सकते हैं। तो चलिए मैं बताएं उसको कैसे होगा। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे या मेरे वीडियो पहली बार आए होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारे वीडियो के माध्यम से किसी को भी वशीकरण कर सकते हैं। 100% चैलेंज के साथ 100% जो है आपको काम होगी, और इस क्रिया को लेकिन अवश्य करें, वीडियो को आगे तक देखते रहे। तो करना क्या है, आपको किसी भी शनिवार के दिन में या अमावस के दिन में आपको लेना होगा किसी पूजा पाठ, किसी पंसारी की दुकान में 3 पीस ले आएगा भिलवा, 3 पीस भिलवा बोलिएगा, नजर टुका जो होता है, नजर दोष को मुक्ति पाने के लिए भिलवा पाया जाता है। भिलवा एक तरह का फल होता है और वो बिल्कुल फल का पेड़ होता है भिलावा का, और उस फल को आपको लेकर के खरीद के आइएगा, बिल्कुल आसान तरीके से अगर आपको मिल जाएगी 3 पीस भिलवा और 3 पीस लौंग, 3 पीस इलायची और 3 पीस काला हर्रे, 3 पीस छोटा हर्रे लीजिएगा, छोटा हर्रे 3 पीस, 3 पीस लौंग, 3 पीस इलायची और 3 पीस भिलवा, इसको आपको लेकर के आना है। आकर के क्या करना है, आपको एक लाल रंग का कपड़े में उसके ऊपर में रखना है, उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर डाल दीजिएगा और सिंदूर डाल के इस मंत्र को 108 बार जाप कर लीजिएगा, यह सारी चीज आपका सिद्ध हो जाएगी। तो ये मंत्र इस प्रकार रहेगा, ओम ऐं ह्रीं रक्त चामुंडा सर्व स्त्री माम अवश्यम वश्यम कुरु स्वाहा, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं रक्त चामुंडा सर्व स्त्री माम अवश्यम वश्यम कुरु स्वाहा, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं रक्त चामुंडा सर्व स्त्री माम अवश्यम वश्यम कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोल करके 7 बार उस सामग्री पर आपको फूंक मार देना है, और मान करके आपको क्या करना है,
उस कपड़े को जो है आपको गांठ लगा करके आपको अपने पास रख लेना है, अपने पास रख लीजिएगा। और जिस मन चाहे स्त्री को आपको बस में करना है, जिस स्त्री को अपने मोहब्बत में दीवाना बनाना है, उस स्त्री का नाम 7 बार लेकर के उस कपड़े को खोल करके उसको फूक मार करके जिस स्त्री को आप दिखा दीजिएगा, जिस मन चाहे स्त्री को सामग्री दिखा दीजिएगा, वो आपके बस में हो जाएगी, वो आपके दीवाने हो जाएगी और 15 सेकंड में जो है वो आपका प्यार में तड़पने लगेगी। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसको आप जरूर प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी। इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता राम।